आज इस टीवी में मैं पहली बार ये मदरबोर्ड यूज कर रहा हूँ, जिसका नंबर है TR67.03। ये जो है मदरबोर्ड पहली बार मैं इसमें इंस्टॉल किया है और अभी आपको दिखाते हैं। इसमें कुछ मैंने पहले U11 अधिकतर यूज किया हूँ और या तो फिर कम्बो बोर्ड। तो फिर यहाँ पर दिखाते हैं ये हम जो है और इसमें क्या डिफरेंसेज है U11 और इसमें, उसको भी हम दिखाते हैं आपको। ये मदरबोर्ड U11 बोर्ड से डिफरेंस है और काफ़ी डिफरेंस है, और इसमें कुछ रेजुलेशन है जो U11 में नहीं है और इसमें है। अभी हम आपको वो भी दिखाते हैं। फिलहाल इसे हम ऑन करते हैं टीवी को, और इसमें जो फर्स्ट प्रॉब्लम आता है जैसे स्टैंड बाई में है, ये रिलीज हुआ। अब यहाँ पर देखें, ये अभी डिस्प्ले आया है HDMI। इधर देखिए पैनासोनिक लिखा हुआ है, और ये यहाँ पर देखेंगे तो ये उल्टा है, यानी मिरर प्रॉब्लम है। अब मिरर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसमें हम इसके सर्विस इनपुट 208 यानी 208। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पे देखें, यहाँ जो पैनल सेटिंग है, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों उल्टा है, तो उसे सीधा करने के लिए हम पहले पैनल सेटिंग पर जाएंगे। उसके लिए यहाँ पे इस बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हम डाउन करेंगे। अब ये बीच वाला, इसे यानी यहाँ से इंटर करेंगे। अभी देखिए पैनल सेटिंग में आ गया। आप यहाँ सीधे नीचे आएंगे, ये जहाँ पे फ्लिप लिखा हुआ है, तो इसके लिए यहाँ पर इस बटन का यूज करेंगे और फिर ये बीच में फिर इंटर करेंगे। अब यहाँ पे इस बटन के द्वारा देखिए ऑफ, फिर इसके बाद दोनों आगे, इसका यच मतलब हॉरिजॉन्टल और प्लस वर्टिकल। अब यहाँ पे हम इसे ओके करते हैं और इसके बाद मीनू दबाएंगे। मीनू दबाने के बाद फिर इसे ओके कर देंगे। एक बार ये ऑफ होगा, फिर इसके बाद ये ऑन हो जाएगा। अब देखिए डिस्प्ले इधर आ गया। नो सिग्नल, यानी दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एक साथ में सही हुए हैं। अगर वर्टिकल प्रॉब्लम है तो आप सिंगल सिंगल वर्टिकल भी सही कर सकते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल प्रॉब्लम है, यानी ये अगर ऐसे उल्टा लिखा रहे तो भी आप सीधा कर सकते हैं उस सेटिंग से। यहाँ पे इसकी पिक्चर को अगर देखेंगे तो पिक्चर इनपुट करने के बाद यहाँ पे हम मीडिया पे जाते हैं। फिर इसे वीडियो मूवी पे इंटर करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखें इस पिक यानी इसके पिक्चर की क्वालिटी। इसमें मैंने देखा है कि इसका जो रेजुलेशन कोड है, इसके लिए जो है इसकी कोडिंग कुछ डिफरेंस है, और वो डिफरेंसेस यहाँ पर दिखा दें आपको। जैसे ये U11 है ये, और ये है TR67.03 जो मदरबोर्ड मैंने इंस्टॉल किया है। ये इसका रेजुलेशन है और इसका रेजुलेशन है। दोनों की अगर देखेंगे तो दोनों में डिफरेंस यानी 7 ऑप्शन इसमें दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें कुछ ऐसे हैं कि जो इसमें नहीं है और जो इसमें है तो इसमें नहीं है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं।
थोड़ा बहुत डिफरेंस है। इससे आप जो कंप्यूटर डेस्कटॉप के मॉनिटर होते हैं उसमें भी आप बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़रूरत लगता है कुछ ऐसे जैसे 800 × 600, तो ऐसे उसमें बहुत सारे रिलेशन है जो ये यूज करने में काफ़ी आसानी होगा। और दूसरी बात यह है कि जैसे इसमें रिजोल्यूशन सेटिंग के लिए इनपुट 0.5561 है, तो इसमें क्या है हम अभी देखें तो इसमें ये कोडिंग डिफरेंस है, यानी इस सर्विस कोड तो सेम U11 की तरह है, इनपुट 208, और इसका U11 का इस समय इसमें भी जो है यही कोड लगेगा, यानी इनपुट 31181, फिर उसके बाद 31182, फिर 31183, ऐसे इसकी कोडिंग सेट करते जाएंगे, रिजोल्यूशन सेट होता चला जाएगा। इस मदरबोर्ड में कुछ फीचर भी अलग दिए हैं जो U11 में नहीं है, जैसा कि यहाँ पर देखेंगे तो इनपुट 208। अब यहाँ पे हम इसको पैनल के सेटिंग पे आते हैं, या सॉरी जनरल सेटिंग में, जनरल सेटिंग को ओपन करेंगे अगर इसे, तो यहाँ पर देखें जैसे बैकलाइट का ऑप्शन है इसमें, ये पावर शो लोगो और पावर ऑन मोड, और ऐसे ऐसे इसमें जो है कुछ एक्स्ट्रा फीचर दिए हैं जो उसमें नहीं है। अब इसके बाद अदर सेटिंग में आते हैं, यहाँ से मेनू से वापस जाएंगे और इसके बाद पैनल सेटिंग में आएंगे। पैनल सेटिंग में यहाँ पर देखें ये ऑप्शन है, और इस समय जो इसका रिजोल्यूशन चल रहा है ये है 1366 × 668। अब इसमें अगर देखेंगे जनरल सेटिंग में इसका जो लोगो है, तो लोगो में जो चेंजेस कर सकते हैं यहाँ पर दिखा दें आपको, ये कैप्चर लोगो, फिर हाइट लोगो, फिर ब्लू स्क्रीन, फिर LG, फिर यहाँ पे क्रोमैक्स, इसके बाद पैनासोनिक, फिलिप्स, सैमसंग, सोनी, MI, वीडियोकॉन, कैप्चर लोगो। अब यहाँ पे हम इसको पैनासोनिक पे सेट कर देते हैं। अब इसके बाद फिर मेनू प्रेस करेंगे, फिर मेनू प्रेस करने के बाद स्टैंड बाय में करते हैं, फिर स्टैंड बाय रिलीज करते हैं, देखिए पैनासोनिक डिस्प्ले आ गया। जैसे पहले ब्लू स्क्रीन आई थी, अब यहाँ पे लोगो आएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट।